हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट फोर हमारी मतलब ईवीएस यूनिट वन और गन सिस्टम्स। तो टेक आउट यूवर एसआर सिक्स एंड पेज नंबर 10। ओके, नाउ रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। और गाइस, आज मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। आज हम हमारे स्केलेटन सिस्टम को एंड करने वाले हैं, उसके बाद हम हमारी SR7 करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्टेड। प्राइवेट जॉइंट इज कंसेप्ट ऑफ अ मूविंग बोन। दिस बोन रोटेटिंग फ्रीली इनसाइड द रिंग formed by a round bone in a long movement around 180। मतलब ये बोन का जो है, मतलब ये एक बोन है जो रिंग बोन है, मतलब एक मूविंग बोन होती है जो हिल सकती है। फुल गोल, मतलब एक गोल बोन होती है। हाँ, फिर उसके बाद उधर एक रिंग जैसा शेप होता है, फिर वो मूवी जॉइंट हो जाती है, फिर वो हर जगह पे मूव कर सकती है। फिर एग्जांपल नी एंड वेस्ट जॉइंट। नी है मतलब नी और वेस्ट जॉइंट एग्जांपल है इसके। ग्रिडिंग जॉइंट, इट कॉन्सेप्ट ऑफ टू फ्लैट बोन दैट कैन ग्रिडल ओवर ईच अदर। It a long smooth griddle movement between the two bones in only detect up and down, left and right, and so circular motion, example waist backbone। तो ये हमारा waist and backbone। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि प्राइवेट जॉइंट कैसे रहता था वैसे ही ये भी नहीं है, बट एक फ्लैट बोन होती है और एक बोन सर्कुलर बोन होती है, वो जॉइंट होती है। देखिए इसमें तो ऐसा है, ये है। तो अब स्टूडेंट्स, आप जो नीचे देख स्टूडेंट्स आप जो नीचे देख पा रहे हो ना, वो आप होमवर्क कर लेना स्टूडेंट्स। तो आप जो नीचे वाला पैराग्राफ देख पा रहे हो वो आपका होमवर्क है। आपको ये रीड करना है, आपको जो वर्ड नहीं आता वो अंडरलाइन कर आपके नोटबुक में हार्डवर नाम डालना टाइटल का, और फिर लिख लेना और लर्न करना है। ओके, लेट्स टेक आउट योर SR7। तो स्टूडेंट्स, SR7 इज हियर, मस्कुलर सिस्टम। नाउ स्टार्टेड फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम। आज हम मस्कुलर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ अ मस्कुलर सिस्टम। ओके, वी सो दैट अवर बॉडी हैज डिफरेंट बोन विच फॉर द स्केलेटन सिस्टम, बट डू यू थिंक वी कैन रन ऑन द ग्राउंड एंड प्ले बाय जस्ट यूजिंग द बोन? Bone cannot move on their own. They need help for joints and muscles. Muscles are attached to the bone. They connect and push. मतलब वो push the bone which help us move। अब आपको पता है क्या, सिर्फ bones खुद की मदद से ही हिलती है? No, वो खुद की मदद से नहीं हिल सकती bones, उनको help लगता है muscles का। muscles bones से attach होते हैं और वो बोन्स को पुल करते हैं। दे आर अबाउट 650 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। स्टूडेंट्स, टेक आउट योर नोटबुक एंड
राइट दे आर 250 बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटन. स्टूडेंट्स राइट प्लीज टाइटल नेम है जो वर्ड एंड राइट फर्स्ट. स्टूडेंट्स आई एम सेट माइक. ओके तो स्टूडेंट्स हमारे आपने लिख लिया कि नोटबुक में कि हमारे ह्यूमन स्केलेटन में 650 बोन्स है. ये भी आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा. टाइप ऑफ मसल्स दे आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मसल फाउंड इन द ह्यूमन स्केलेटन. जो ह्यूमन स्केलेटन है उनमें 3 डिफरेंट मसल्स है. ओके हमारे ह्यूमन स्केलेटन में मतलब 3 टाइप्स के बोन है ए मसल्स है. फर्स्ट अब ये 3 टाइप्स के मसल्स सीखेंगे हम. फर्स्ट स्केलेटन. स्केलेटन मसल हेल्प्स इन एवरी डे मोमेंट. स्केलेटन रुकिए स्केलेटन और विल्टरी मसल. दीज मसल आर अटैच टू द बोन एंड हेल्प दे मूव दे अ फोर वे. फाउंड मोस्टली इन द आर्म लेग नी एल्बो चेस्ट एंड फेस्ट एंड फेस्ट. अब ये स्केलेटन मसल हम सीखेंगे. स्केलेटन मसल जो है वो मतलब एक स्केलेटन और वेल्ट्रिक मसल एक दो ये ऐसे मसल्स है जो आर्म लेग नी एल्बो चेस्ट एंड फेस्ट एंड हेल्प द मूव. ये सब हमारे पार्ट्स में है मूव करने के लिए. तो राइट डाउन दिस लाइन इन द नोटबुक. राइट टाइटल नोट एंड राइट डाउन दिस. दे थीर इजिली बिकॉज दे कनेक्ट कॉन्टैक्ट आर एक्सपायर्ड क्विकली कैन वी कैन कंट्रोल द मूवमेंट फॉर दे दिस मसल. सो दे आर कॉल्ड वेल्ट्रिक मसल. ये मसल्स जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं बोन्स और कंट्रोल करते हैं हमारे मतलब ब्रेन से कनेक्ट होकर. अब मैंने सोचा कि मुझे अब हाथ हिलाना है तो मैं हाथ हिला रहा हूँ. अब देखिए आपको दिख नहीं रहा है सॉरी. हाँ अब मैंने सोचा कि मुझे बोलना है मुझे ये बोलना है कि मैं मेरा चैनल है यूट्यूब पर तो मैं अब बोलूँगा मुँह से जो हिल रहा है अब बंद चालू हो रहा है ना बोलते बोलते तो वो मसल्स हिला रहे हैं ब्रेन से कनेक्ट. यूज देखते हैं. स्केलेटन मसल हेल्प इन एवरी डे मूवमेंट. स्केलेटन मसल जो है वो एवरी डे के मूवमेंट में हेल्प है. अब सेकंड मसल देखेंगे हम. सेकंड मसल स्मूथ. गाइस सेकंड मसल देखने से पहले आपको वो मैं बोलता हूँ गाइस ये वाली वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं. हम पार्ट 5 में सीखेंगे सेकंड मसल इन्वोल्यूटरी मसल SR8 पर. तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो में आपको जल्दी से जाके लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपनी चैनल को सब्सक्राइब करना है. तो आपकी स्टडी के लिए आपको एक मैं सूचना देता हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए EVS का यूनिट 1 ख़त्म करूँगा फिर बाकी के मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा. अब सबसे पहला हमारा टारगेट है EVS यूनिट 1. हर रोज़ एक वीडियो आएगी आपकी मतलब आपके लिए रोज़ एक वीडियो आएगी. आप दिन में टाइम निकाल लीजिए 10 मिनट के आसपास वो वीडियो रहेगी. तो आज की सुनिए इतना ही. बाय बाय.